सारे एक ही उसमें दो दो घंटे का लंच करते हैं, इकट्ठा ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होती है, और शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। दो बार मेरे बच्चे का सिर फूट गया है, दो बार मैंने ना उन्होंने मेरे घर पे फोन किया कि बच्चे का सिर फूट गया, आप अपना बच्चा ले जाओ, ना कुछ, टीचर बिल्कुल सब बेकार है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी। आप तो बढ़िया कर रहे हैं ना? हाँ, मैं अपनी ड्यूटी सही करता हूँ। सही करते हैं ना जी, बिल्कुल अच्छी बात है जी। साहब, मैं लेट आया, थोड़ा सा मुझे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भैया जी, मैं आम आदमी पार्टी के उनसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मेरी पेंशन क्यों नहीं बन गई थी, फिर बंद क्यों कर दी इन्होंने? तो दो तीन महीने होगा पेंशन नहीं आ रही, रोना आता है, पेंशन नहीं आ रही, गलत हो रहा है हमारे साथ, बिक रहा हूँ। जवाब इसको देना पड़ेगा, जवाब इसको देना पड़ेगा। भाई, पहले तो आपको नमस्कार जी। ऐसा है कि मैं केजरीवाल जी की जो ये फ्री वाली पॉलिसी है ना जी, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसे ही लोगों के टैक्स से भरपाई होती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताया तो मैं, आपको लगता है कि ये जो फ्री बीज दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है? ठीक जी जी, मैं आया। राज्य भारत छोड़, हम बात करते हैं, राज्य बात नहीं करते। मैं इसे एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ की अभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि चले हेल्थ के हैं कि मेरी पेंशन की बंद कर दी गई। मैं आपको बताता हूँ, पिछले चुनाव में यहाँ से जो प्रत्याशी लड़े सिंगला जी, वो लड़ने के 5 साल बाद अब वो दोबारा आप लोगों से कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। 5 साल पहले प्रत्याशी थे, उसके बाद दोबारा आए नहीं। दूसरी बात, आप यहाँ 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी से हैं, जिनके खिलाफ औरतों ने मुकदमा ये दर्ज कराया कि उनका रवैया ठीक नहीं है, औरतों से बदतमीज करते हैं और गलत की बात करते हैं। दूसरे कैंडिडेट सिंगला जी, जिनके ऊपर 400 करोड़ का मुकदमा दर्ज है, सुनो, ईडी छापे मारे। तीसरा यहाँ के गुरचंद राजू जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, गुरचंद राजू के खिलाफ एक केस ईडी में हो, किसी भी सीबीआई में हो, और एक के दर्ज कर दिए, ये झूठ बोलने का, ये कब्र करने का, मैं अभी नहीं टाइम दे देंगे। कांग्रेस वाले, एक मिनट, कांग्रेस वाले पिता जी कह रहे हैं ये बात अपने पवन भैया, दीपक भैया के लिए, ये सरासर झूठ है। उनका कोई ऐसा केस नहीं है, और कोई केस है तो आप मुझे प्रूव करके दिखाएं, ऐसी कोई बात है तो। आपका डॉक्यूमेंट है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल इस्तीफा देंगे, अगर इस्तीफा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। देखिए, अभी एक भाई जो दिव्यांगजन हमारे यहाँ पर थे, इन्होंने कहा पिछले 3 साल से यहाँ पर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सारे पेंशन इन्होंने बंद कर रखे हैं। इन्होंने कहा था गरीब आदमी को 35 किलो राशन कार्ड देंगे। यही बगल में मनीष सिसोदिया का जो विधानसभा है, वहाँ पर 3 बच्चियां मौत से, जिनकी मौत हो जाती है भूखमरी के कारण, ये 35 किलो महीना अनाज देने की बात किए थे आम आदमी पार्टी की सरकार। इन्होंने क्या किया, 4.5 साल तक ये सिर्फ गाना गाते रहे, और लास्ट के 3 महीना में 200 यूनिट फ्री बिजली देकर, और ये चाह रहे हैं कि हम दिल्ली को जीत जाएं। ये हर किस नहीं होगा, आवाज दोनों लोग ये हर किस आराम से, आराम से हमारे पैसों की है। एक मिनट, जैसे इन्होंने बात की, इनके विधायक हैं यहाँ पर ओपी शर्मा जी ने यहाँ पर ना यहाँ पर सीसीटीवी लगने दिए, मुश्किल से लगवाए सरकार ने, ना मोहल्ला क्लिनिक बनने देते, स्कूलों में काम नहीं होने देते, हर चीज में अड़ंगा। और वो एक जो एग्जांपल है ना, वो सारी पेंशन मेरे भाई को पता होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो विधायक के थ्रू होता है। जब विधायक ही फाइल पर बैठ जाएगा तो सरकार क्या करेगी इसमें, इनके विधायक से सवाल करना चाहिए। और सुनिए, इसके अलावा इनके विधायक सुनिए मेरी बात, सुनिए, इनके विधायक, हमारे विधायक ने यहाँ पर भेजा महिलाओं के, जब सेक्रेटरी सचिवालय में भेजा गया, बदतमीजी करते हैं इनके विधायक महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे मालूम है, मुझे पूरी सहानुभूति है आपका, राजनीति में नहीं पसना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए आपको। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछता हूँ, पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो?